ये गूगल बाबा भी ना भाई मरवाएगा किसी दिन, ये लुटवाएगा मेरी लंका। ये भाई इस गाड़ी का ना जस्ट अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी छोटी छोटी सी लग रही है बाइक यार आगे से मेरे को। रोड देख रहे हो, कोई भी नहीं है, पिछले 50 किलोमीटर से तुम्हारा भाई अकेला चले आ रहा है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम सूरत, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सभी भाइयों को नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो भाई लोगों आज अभी हम सूरत में, टाइम हो चुका है सुबह के 10:30, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं और आज अपने को पहुंचना है माउंट आबू। तो आज की जो राइड होने वाली है वो होगी करीबन 550 किलोमीटर की। अपन ने जो पेनियर्स वगैरह थे वो नीचे पहुंचा दिए, बस मेरे इधर में एक टॉप बॉक्स रह गया है और ये कैमरा बैग रह गया है और छोटा मोटा सामान और हेलमेट वगैरह रह गया है, बाकी मेरा सब सामान नीचे पहुँच चुका है। हमारे जो धर्मेंद्र भैया हैं वो थोड़े आलसी हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बूढ़े तो सब लोग तैयार हैं, बस ये धर्मेंद्र भैया को छोड़ के रेडी। तो धर्मेंद्र भैया भी बस ये ना फैला के ज़्यादा रखते हैं। और भाई लोगों अभी सूरत से निकल रहे हैं अपन सीधा माउंट आबू के लिए और रूम खाली करने का टाइम हो चुका है। एक्चुअली यहाँ पे वो रूम क्लीनर वाले भी आ चुके हैं, दो बार बेल बजा दी है कि सर रूम साफ करवा लो रूम साफ। तो बस हमने बोला मैम प्लीज़ 10-15 मिनट दीजिए, हम लोग निकल ही रहे हैं। टॉप बॉक्स लगाना है, हेलमेट वगैरह, गियर्स में मैंने सिर्फ पैंट जैकेट सॉरी ये शूज़ वगैरह पहन लिए हैं। तो निकलते हैं अब यहाँ से भाई लोगों सीधा माउंट आबू के लिए बिना किसी देरी के, क्योंकि 550 किलोमीटर की राइड है, बहुत राइड में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ट्राई करेंगे आज यहाँ का लोकल फूड, तो होप सो कि हमें गुजरात में अच्छा फूड मिलेगा। कल रात का जो खाना था वो बहुत एक नंबर था भाई, लिटरली मजा आ गया। आज जलेबी फाफड़ा खाना है क्योंकि हम तारक मेहता के चश्मा में देखते हैं कि गुजरात के जलेबी फाफड़ा और वो हम 100% कहीं ना कहीं आज ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, ये कन्फर्म है। और युधिष्ठिर भैया क्या खाएंगे? युधिष्ठिर भैया को जबरदस्ती खिलाएंगे क्योंकि वो रोटी से आगे आगे नहीं बढ़ते, आज जलेबी फाफड़ा उनको भी खिला के ले जाएंगे। तो चलो जी अब अपन करने वाले हैं गुजरात का लोकल ब्रेकफास्ट, कल्चर का जो यहाँ का मतलब ब्रेकफास्ट है वो ट्राई करेंगे। मुझे 2-3 के नाम पता है, फाफड़ा और साथ में मीठी कढ़ी मिलती है उनके और एक गोल गोल पकौड़े टाइप में मिलते हैं, थेपला ये सब चीज़ मिलती है इधर में, तो आज सब ट्राई करने वाले हैं अपन लोग भाई लोगों। तो चलो जी सीधा मिलता हूँ आपको मैं गोप्रो पर। सो ये है जी होटल महादेव, जिस रात में हम कल रात को यहाँ रुके थे, ये आपको पड़ेगा सूरत से 18 किलोमीटर पहले। चाय पानी मिल जाएगा, बिस्किट मिल जाएंगे, नीचे में रेस्टोरेंट है, ऊपर में भाई रहने का जुगाड़ है सेकंड फ्लोर पे और ये ओयो से भी अटैच्ड है, तो दिक्कत यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है। तो ट्राई करूँगा दोबारा आने का यहाँ पर, बट अभी इंडिया में भाई हमारे ऐसे कुछ प्लेसेस बचे हैं जहाँ अभी हम गए नहीं हैं, तो पहले उधर में ट्राई करेंगे देन उसके बाद कुछ करने का सोचेंगे। और यहाँ लगा दिया मैंने अपने GoPro 360 कुछ नई रील्स वगैरह के लिए, तो प्लीज़ से मेरे को फॉलो कर लेना, नीचे मेरा आईडी इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है तो उधर में मेरे को फॉलो कर लेना मेरी न्यू रील्स पोस्ट वगैरह स्टोरी वगैरह देखने के लिए। भाई लोगों इधर में अपन ने किया था नाश्ता जो यहाँ का फेमस होता है, आई मीन गुजरात का, गोटा फाफड़ा और क्या ट्राई किया था भाई, वड़ा और समोसा एंड वन मोर थिंग ब्रेड पकौड़ा। तो भाई इधर का ना खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब जो ब्रेकफास्ट था वो सच में बहुत अच्छा था, तो आई जस्ट रिकमेंडेड फॉर यू गाइस कि कभी भी जहाँ भी जिस भी स्टेट में जाते हो तो प्लीज़ वहाँ का लोकल ट्राई करो, बहुत अच्छा होता है। कब कब आपको कब खाने को मिलेगा कुछ नहीं, ट्राई यही करना कि जहाँ भी जाओ वहाँ ये सब चीज़ ट्राई किया करो, अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, सीरियसली बता रहा हूँ। सो भाई लोगों माउंट आबू भी रह गया है यहाँ से 425 किलोमीटर, तो अभी अपने को 10-1 घंटे लग जाएंगे, मतलब दिन के दोपहर मतलब दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम रात को 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी जो देखो ट्राई रहेगा, अगर अपने को कुछ नहीं पता ट्रैफिक का क्या सीन है क्या नहीं है इस रूट पर, पहले जब मैं आया था तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा खाली रूट था ये, बट अभी तो ये बहुत ज़्यादा बिजी रूट है भाई। इस मुंबई गुजरात हाईवे पे ना मुझे नॉर्मल गाड़ियाँ तो दिख ही नहीं रही, सिर्फ ये ट्रक 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 ट्रक, बहुत कम गाड़ियाँ हैं भाई, बहुत कम छोटे गाड़ियाँ हैं, बस ये ट्रक ही ट्रक भग रहे हैं इधर उधर। अभी तो पीछे की तरफ देखा मैंने, 3-4 किलोमीटर का ट्रक का ही जाम था भाई। अब आप सामने तक देख लो एक गाड़ी है, बाकी 6-7 लाइन से ट्रक हैं, तो मतलब इस रोड पे ना 80% ट्रक्स वगैरह हैं, बाकी 20% है जो अनदर व्हीकल है। ब्रिज देखो कितना सेक्सी ब्रिज है, मतलब यार मतलब फील अलग आ रहा है ये देखो, ओए होए 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 होए। अब नीचे का ये नहीं पता भाई कोई रिवर है या समुद्र है, पता नहीं क्या ही है, बट नीचे अच्छा लग रहा है यार, ऊपर भी बहुत अच्छा लग रहा है। रिवर मतलब ये जो ब्रिज बनाया हुआ है ना वो बहुत प्यारे तरीके से बनाया हुआ है। ओए होए होए
हाय हाय, वो उधर पीछे में एक और ब्रिज है वहाँ पर। भाई लोगों सामने आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, कितनी प्यारी लग रही है यार ऑन रोड, मतलब देख के ना एक बार को दिल आ गया। मैंने तुरंत से फिर कैमरा ऑन किया, बट मुझे ये नहीं पता ये है क्या। स्टिल देख लेता हूँ एक बार, यहाँ कुछ लिखा हुआ है श्री स्वामी नारायण, मतलब कुछ यार मंदिर वंदिर या धर्मशाला टाइप में कुछ ऐसा है। बट यार दूर से लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैंने देखा ना तो मैंने तुरंत कैमरा ऑन किया। मैंने कहा भाई इस गाड़ी का ना जस्ट अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, और वो सामने जो इको खड़ी है उसके साथ हुआ है। बहुत भयंकर एक्सीडेंट था भाई ये। बस ये यार सारे के सारे सेफ रहे, मुझे लगता है शायद और भी दो चार गाड़ियाँ गई हैं भाई इसके साथ साथ। हे भगवान सब सेफ हो यार इनमें से जो जो भी है। पीछे से भी एक गाड़ी आ रही है और उनको पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उन्होंने मेरे को देखा एंड मेरी वीडियो वगैरह बना रहे थे वो लोग अंदर से। तो यार लिटरली जो खुशी मिली ना, मतलब जो अच्छा फील आ रहा था ना, वो अलग लेवल था। मतलब भाई मेरे को ना राइड करना पसंद है यार, बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मतलब और उन्होंने ना पता एक मोटिवेशन दे दी, एक खुशी दे दी जब वो अंदर से वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। मतलब इतना, मतलब दिल को अंदर से इतना सुकून सा मिला। सीरियसली मैं कैसे जाहिर करूँ, मतलब मैं खुद को नहीं बता पा रहा, खुद को नहीं समझा पा रहा, मतलब हाउ। गाइस लव यू, गाइस लव यू। गाड़ी की बात कर रहा था, वो ये वाली गाड़ी है रेड कलर की फीगो, ये जो आगे चल रही है। मतलब ये अभी फोटोज वीडियोस क्लिक कर रहे थे। थैंक यू गाइस, लव यू। अगर आप लोग कभी मेरे चैनल पे आके इसी वीडियो को देख बैठो तो दिल से प्यार आपके लिए यार, थैंक यू सो मच। सो भाई बाल बाल बच गए। सो भाई लोगों ऐसा हुआ, अभी ना कौवा आया उड़ता हुआ और इधर विंडशील्ड जो एक्सटेंडर था वो उस पर लगा और वो टूट गया एक साइड से यहाँ से। तो मैंने उसको उतार के अभी अंदर रख दिया है, ट्राई करूँगा उसका वो अलग से वो पार्ट मिल जाएगा तो वही मंगवाएंगे, नहीं तो फिर पूरा दोबारा से मंगवाना पड़ेगा। बड़ी छोटी छोटी सी लग रही है बाइक यार आगे से मेरे को। क्या आपको भी आगे से छोटी लग रही है क्या? मेरे को तो भाई बहुत छोटी लग रही है बाइक, तो बताना ज़रूर मेरे को कॉमेंट करके। एनीवेज इसका पार्ट ऑर्डर कर देंगे घर पहुँच के। बट यार नुकसान तो नुकसान है ना, बिना बात के नुकसान हो गया यार। सो नाउ वी आर क्रॉसिंग अहमदाबाद। भाई लोग ऑटो तो बहुत देखोगे, बट सा ऑटो कभी नहीं देखा होगा, एक बार आने दो उसको ऑटो रिक्शा को। ये देखो भाई क्या बनाया हुआ है मेरे भाई। सो भाई लोगों भैया के बाइक की करवानी थी सर्विस, बट हमें लगा था 5000 के बाद सर्विस होती है, तो वहाँ सर्विस मैनेजर मिल गए थे तो उन्होंने रिकमेंडेड किया कि सर आप अभी मत करवाएं, सिर्फ 5000 पर टॉप अप होता है हिमालयन का। इसकी जो सर्विस है वो 7000 to 10000 के बीच में होती है। सो आप आराम से जाइए जयपुर तक, कोई दिक्कत नहीं है। आप जयपुर पहुँचने के बाद सर्विस करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हमने भी सोचा कि चलो ठीक है जी वहीं करवाएंगे अब सर्विस। भाई लोग एक्चुअली मेरी हुई थी सेना की बैटरी लो, तो मैं जस्ट रुका था चार्जिंग लगाने के लिए, तो ऑटो में चार पांच भाई आए तो बोलने लगे भैया एक फ़ोटो एक फ़ोटो। तो उसमें से एक भाई का बर्थडे भी था, तो भाई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एनीवेज मैं लेट हो रहा था, नहीं तो भाई बात बात करते आराम से रुके। तो उन्होंने कुछ मेरे साथ फ़ोटोग्राफ्स करवाए थे, तो मैंने कहा ठीक है भाई करवा लो कोई दिक्कत नहीं है। यार लिटरली बहुत अच्छा लगता है जब कोई रुक के बोलता है ना भैया प्लीज़ एक फ़ोटो करवानी है, इट्स मतलब डिफरेंट लेवल का वो खुशी होता है उसमें सीरियसली। मतलब अकेले रोड पे अकेला तुम्हारा भाई चल रहा है विदाउट एनी टेंशन, बिकॉज राइट आई राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे रोडों में ना भाई लोगों तुम्हें एक चीज़ करनी है, कभी भी आगे याद रखना लाइफ में, कभी भी कोई रुके ना तो रुकना मत, ये चीज़ मेरी याद रखना। तुम कहीं भी कैसे भी राइड करो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई भी हाथ दे कभी मत रुकना ऐसे रोडों पे। रात में इवन कोई भी हाथ दे कहीं नहीं रुकना है आपको, बिल्कुल कोई आवाज़ दे कुछ भी करे, कोई लोहे की भी आवाज़ करे, कुछ करना ही नहीं है। आप अपना माइंड फोकस रखना है बिल्कुल सामने और चलते जाना है। आपको कहाँ जाना है वो चीज़ सोचो, रोड पर ध्यान रखो कोई आगे पीछे से आना जाए जानवर वगैरह या फिर कोई भी आदमी, बस इन दो चार चीज़ों को पॉइंट का याद रखो और आराम से मस्त जाओ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भाई लोगों को पूरी पूरी रात ऐसे ऐसे रोडों पे बाइक चलाई हुई है। इवन 2018 में जब मैं सिलवासा का ट्रिप करके आया था तो मैंने ऐसे रोडों पे पूरी पूरी रात पूरा गुजरात पार किया था मैंने रात में। तो बस टेंशन नहीं लेनी है, आराम से चिल आउट करके करो, माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखो और डरना नहीं है 1% भी, बस बाकी कुछ नहीं होगा ऊपर वाला आपके साथ है।
भाई लोगों किसका मन करता है ऐसे खाली रोड पर रात को घूमने का, मुझे सच सच कमेंट करके जरूर बताना। एनीवेज भाई लोगों ये वही वाला हाईवे चल रहा है जो भी मैंने आपको बताया था, आगे 1 किलोमीटर बाद एक राइट लेफ्ट टर्न करना है मुझे, देन उसके बाद भी पता लगेगा कितना दूर हो रहा है। बट यहाँ से मुझे अभी शो कर रहा है 120 किलोमीटर, तो मतलब 2 घंटे आराम से बता रहा है, तो 2 घंटे लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते, लेट्स सी। और ये ब्रेकर को कुदाते हुए तो वो पहले ये बताना लाइट कैसी लग रही है, लाइट में कहीं कमी है क्या अपने लाइट हाउस में? ये चलता फिरता अपना लाइट हाउस है भाई लोगों, इसमें कोई कमी नहीं है। बट आई एम श्योर इसकी जो लाइट है ना भाई, मैं कह रहा हूँ पूरी रात में इसे बाइक चलवा लो, 1% दिक्कत नहीं आएगी, कितने भी अंधेरे में चलवा लो फिर भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू करण भैया, थैंक यू अभय भैया फॉर दिस लवली HAC लाइट और ये अच्छे से सेटअप वेटअप करने के लिए भी। ये लो जी कर लो बात, हम तो सोच रहे थे वही वाला बिल्कुल मतलब खतरनाक सा रोड था, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है भाई, सिंगल रोड है, अगल बगल झाड़ियां ही झाड़ियां। हे भगवान, रक्षा करना भगवान। जस्ट जोकिंग गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे, 13 किलोमीटर का ही टर्न है तो इसको पूरा करते हैं पहले। और ऐसे तो एक आधा दुख का गाड़ी आती रहती है, मतलब 2-3 किलोमीटर में एक गाड़ी तो आ ही जाती है। कौन कौन राइड करना चाहता है ऐसे रोड पे अकेला, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, हाँ या ना कुछ भी डालना, पर डालना ज़रूर। रोड देख रहे हो कोई भी नहीं है, पिछले 50 किलोमीटर से तुम्हारा भाई अकेला चले आ रहा है। सब हमने मतलब इन 7 दिनों में यार मतलब 3100 किलोमीटर बाइक चला दी है, और मतलब और अभी 100 किलोमीटर मतलब आज है ना 3200 किलोमीटर की राइड हो जाएगी, मतलब आज तक पिछले 7 दिनों से और अब तक 3200 किलोमीटर, 3200, वाओ। ये गूगल बाबा भी ना भाई मरवाएगा किसी दिन, ये लुटवाएगा मेरी लंका ये।